बाबा अमृत बेला में पहली मुख्य बात तो आती है निद्रा जीत बनने की। निद्रा जीत बनना भी पुरुषार्थ के अंदर शामिल है या नहीं है? है। अगर अमृत बेले में निद्रा कोई नहीं जीत पाया तो बाकी का पुरुषार्थ तो चौपट ही हो जाएगा। तो पहला प्रयास ये करना है, पहला पुरुषार्थ ये करना है कि अमृत बेला कम से कम थोड़े में थोड़ा निद्रा जीत जरूर बनना है। चलो आधा घंटा ही सही, पौने पांच पांच बजे तक भी अमृत बेला रहता है, दो बजे से लेकर पांच बजे तक। वो अमृत बेले के टाइम पूरा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा तो दे सकते हैं। सवेरे को 4:30 बजे झुटपुटा होने लगता है, दिन निकलने लगता है गर्मियों के दिनों में, छोटे छोटे बच्चे भी जग जाते हैं। जिन बच्चों को 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे सोना चाहिए, वो बच्चे जग जाते हैं और हम सोते रहे। तो क्या पुरुषार्थ होगा? है पहला पुरुषार्थ करना है निद्राजीत बनने का। आधा घंटा जगो, फिर पौना घंटा जगो, फिर और बढ़ाओ, एक घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, तीन घंटे तक ले जाओ। जब देखो कि जगने की प्रैक्टिस हो गई तब अपने याद का चार्ट देखो कि कितना हम याद में ठहर पाते हैं। ये बाद की बात है, पहले है जगने की बात। जगने में भी जागते जागते तुरंत पहले पहले आत्म की स्थिति हम कितनी देर बना पाते हैं? जगने के तुरंत बाद जितना अच्छा आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालेंगे। चलो 5 मिनट ही आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डाल दें, मैं स्टार आत्मा, स्टार भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, टिक जाओ। वो 5 मिनट का फाउंडेशन भी सारे दिन बहुत अच्छा काम आवेगा। पहला पुरुषार्थ निद्राजीत बनना, दूसरा पुरुषार्थ आत्म की स्थिति धारण करना, और तीसरा पुरुषार्थ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो निद्राजीत बनने के लिए अगर मुरली पढ़नी पड़े और मुरली पढ़ने से नींद भाग जाती है तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। कोई भी विद्यार्थी होते हैं तो अमृत बेले पढ़ते हैं वो याद रह जाता है, उसका नाम ही अमृत बेला। अमृत की बरसात होती है,
मौसम साफ रहता है, शुद्ध वायु बहती है, तो ऐसे टाइम को निद्राचीत बनाने में सफल करना पहला कदम। फिर अगली बात आती है आत्मिक स्टेज की। आत्मिक स्टेज के लिए वो बाबा का कास्केट है बनाया हुआ था, वो लाल लाल गोला, उसे बीच में अंदर ओ बल्ब रहता है और छोटा सा बिंदु चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वैसे नहीं याद आता है, कास्केट नहीं है किसी के पास, तो आसमान में बाहर आके सितारा तो देख सकते हैं। बार बार सितारा देखो, बार बार याद करो, बार बार देखो, बार बार याद करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते परिपक्वता आ जाएगी। अरे 63 जन्म में बिंदी और टीका लगाने के लिए कितना माथामारी की, अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, अंदर का पुरुषार्थ है।